पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में जेडीयू के खुला अधिवेशन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जहां जन्म लिया वो राज अंग्रेज के समय से ही आगे है, गरीब राज्य के लिए क्या किया। साथ ही कहा कि पीएम कहते हैं कि देश का विकास हो रहा है, लेकिन बिहार जैसे पिछड़े राज्य की उन्होंने कोई मदद नहीं की। नीतीश कुमार ने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई भी दी। बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन जो हार गया दो जगह उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। दो जगह हार गए वो लोग तो उसकी चर्चा नहीं है। अब विभिन्न राज्यों के और चुनाव में भी हारे, लेकिन ये वो बात होती है चर्चा। और हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए, अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे, और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। और इसी खबर पे और अधिक अपडेट के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ संवाददाता प्रणव जुड़ चुके हैं। प्रणव, जदयू का अधिवेशन था, लेकिन पूरे अधिवेशन में अगर ललन सिंह और सीएम नीतीश कुमार की बात करें तो दोनों ही बीजेपी पे हमलावर दिखे। जदयू का खुला अधिवेशन था पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में, और करीब 4 घंटे तक कार्यक्रम चला। कार्यक्रम में पार्टी के जितने भी तमाम वरिष्ठ नेता हो सभी शामिल हुए थे। दोबारा निर्वाचित हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वो भी मौजूद थे। पार्टी के महासचिव केसी त्यागी मौजूद थे। जदयू कोटे से जो जो भी बिहार सरकार में मंत्री हैं सभी मौजूद थे, और इसके साथ ही साथ जो राष्ट्रीय परिषद के लिए जो सदस्य आए थे दूसरे राज्यों से वो भी इस दौरान मौजूद थे। इसके साथ ही साथ पूर्व सांसद की बात करें या फिर वर्तमान सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व विधान पार्षद, वर्तमान विधान पार्षद सभी मौजूद थे। देखिए, खुला अधिवेशन इसलिए काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक में या फिर उसके पहले जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी उसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी, और राष्ट्रीय परिषद में उन सभी को रखा गया था, उन पे मंथन हुआ और इस चीज पे बात हुई कि आगे किस तरीके से पार्टी क्या कुछ करेगी, क्या रणनीति होगी, क्या आगामी स्टैंड होगा पार्टी का, किनको किनको क्या टास्क दिया जाएगा। इन सभी चीजों पर कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बातचीत हुई थी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें या फिर ललन सिंह की बात करें तो दोनों ने ही स्पष्ट कहा था कि सबसे मुख्य है जदयू के लिए मिशन 2024, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पहले से भी काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी काम करेंगे। हम सभी का पूरा सहयोग उन्हें चाहिए और हम सभी अपना पूरा सहयोग देंगे। देखिये, जब सबसे पहले आज उपेंद्र कुशवाहा ने अपना संबोधन दिया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम 6 महीने अगर जमकर मेहनत कर लेते हैं तो फिर दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराने से हमें कोई रोक नहीं सकता। इसका कहने का मतलब एकदम स्पष्ट था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब केंद्र में ले जाने की बातचीत की जा रही है, और यही कारण था कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उपेंद्र कुशवाहा ने किया। उसके बाद अगर बात करें जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने छोटा संबोधन दिया था, लेकिन अपनी सभी बातों को उन्होंने प्रमुखता से रखा कि किस तरीके से पार्टी मजबूत होगी, क्या कुछ होगा, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुडनी के लिए अलग से समीक्षा की जाएगी। और बीजेपी पर तंज कसा उपेंद्र कुशवाहा ने भी, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी कैसी पार्टी है यह बताने की हमें जरूरत नहीं। उनका जो काम उन्होंने जिस तरीके से किया है, जिस तरीके से लोगों को उन्होंने ठगने का काम किया, जो उनके कुकर्म है, उनको गांव गांव तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं अगर बात करें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की, तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और इस जिम्मेदारी का अकेले वो निर्वहन नहीं कर पाएंगे। पार्टी के जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी का उन्हें सहयोग चाहिए होगा। वहीं उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि पार्टी के जो भी पुराने नेता हैं उनको हम सम्मान देते हुए नए नेताओं को जोड़ेंगे, क्योंकि अमूमन देखा जाता था नए नए लोग पार्टी में जुड़ जाते थे और पुराने लोगों को धीरे धीरे दरकिनारे किया जाता था। यही कारण है कि स्पष्ट ललन सिंह ने कहा कि पार्टी के पुराने नेताओं को हम सम्मान देंगे और नए नेताओं को भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही साथ बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला उन्होंने, प्रधानमंत्री पर भी जमकर हमला बोला। स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार का जो भी विरोध करते हैं उनके घर सीबीआई, ईडी और आईटी के छापे पड़ते हैं, उनके ऊपर मुकदमा होता है,
और 2014 में ही वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज तक रोजगार नहीं मिला। बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाती है, लोगों को गुमराह करके भटका देती है। वहीं उन्होंने मीडिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि देश के चौथे स्तंभ पर बीजेपी ने अंकुश लगा दिया है, जो भी सभी पूंजीपति हैं उन्होंने मीडिया संस्थान पर कब्जा कर लिया है, बीजेपी के खिलाफ कोई खबरें नहीं चलाई जाती है। हालांकि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाला जब चुनाव होगा 2024 में उसमें हम 40 में से 40 सीट जीतेंगे, बीजेपी का क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं उसी पर हम आगे काम करेंगे। और अंतिम में अगर बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन की, तो मुख्यमंत्री ने भी अपने संबोधन में अस्पष्ट बीजेपी पर निश्चित तौर पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हम काफी मजबूत थे, बीजेपी के ही कारण 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें हमारी सीट कम हुई, क्योंकि हम लगातार मेहनत कर रहे थे, क्योंकि एनडीए का गठबंधन था और हम मेहनत इसलिए कर रहे थे कि एनडीए गठबंधन की जीत हो, लेकिन बीजेपी के लोग हमें हराने में लगे थे। हम एक और जहां ताकत बनकर बीजेपी का सहयोग कर रहे थे, बीजेपी की सीट बढ़ी, तो वहीं बीजेपी हमारे खिलाफ कैंडिडेट उतार रही थी, हमें हराने का पूरा प्रयास कर रही थी। हम सभी चीजों को समझ चुके थे। इसके बाद उन्होंने आज एक बड़ा खुलासा किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुलासा ये किया कि जब एनडीए के साथ गठबंधन टूटा उसके बाद महागठबंधन बना, 7 अलग अलग विभिन्न दल एक साथ हुए और देश में जो एक विपक्षी एकता बन रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर सहयोग किसी का है तो वो जदयू कोटे से वरिष्ठ मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव हैं। उनका उन्होंने आभार जताया कि बिजेंद्र प्रसाद यादव और ललन सिंह के कहने पर इस तरीके की चीजें हुई और दोनों के कहने पर बदलाव हुआ और वो बदलाव बिल्कुल सही हुआ है। यही कारण है कि आज महागठबंधन बेहतर तरीके से चल रहा है और आगे भी इसी तरीके से चलेगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कुडनी जीत पर पीएम मोदी काफी खुश हुए थे, कई तरह की बातें उन्होंने कही थी, लेकिन 2 जगह हार गए उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बीजेपी की यही साजिश होती है, बीजेपी लोगों को भड़काने का प्रयास करती है, झंझट करती है, उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं उनके नेता, लेकिन इन सभी से हमें कोई मतलब नहीं। हम काम करने में विश्वास रखते हैं, जो हमारे साथ धोखा देते हैं उनके लिए भी काम करते हैं और जो हमारे साथ हैं उनके लिए भी काम करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जदयू एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी जाति व धर्म के लोग हैं, कोई गड़बड़ नहीं करता है। वहीं उन्होंने कहा कि जब आगामी चुनाव होगा तो बीजेपी को पता चल जाएगा कि क्या कुछ है, क्योंकि हमने जो काम किया है उसी आधार पर लोग हमें वोट देंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि 2024 में बीजेपी को सब कुछ पता चल जाएगा और उन्होंने स्पष्ट कहा कि ललन सिंह ने जो जिम्मेदारी ललन सिंह को दी गई है खासकर राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए, उस पर भी बेहतर तरीके से काम होगा और पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाएगा। देखिए, जदयू राष्ट्रीय पार्टी तभी बन पाएगी जब नागालैंड चुनाव होगा, उसमें जदयू अगर अच्छी खासी सीट जीत पाती है तो राष्ट्रीय पार्टी जदयू बन जाएगी। तो मुख्य उद्देश्य है जो खुला अधिवेशन हुआ या फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, तो कह सकते हैं कि जदयू का एजेंडा ये रहा कि पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना, मिशन 2024 की शुरुआत करना और एक मजबूत विपक्षी एकजुटता बनाना ताकि बीजेपी मुक्त भारत बनाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि पटना में जदयू का खुला अधिवेशन का आयोजन किया गया था, इस दौरान ललन सिंह और सीएम नीतीश कुमार दोनों ही बीजेपी पे हमलावर दिखे।